Hello everyone, welcome to Diksan Educate and I'm Sanika Rumba, your English teacher. So today I'm here to teach you English of class 2. So today we will do English grammar and composition. Okay? And the name of our topic is masculine and feminine and this is our chapter 4. ठीक है यानी कि आज हम कम्युनिकेटिव इंग्लिश नहीं करेंगे इंग्लिश ग्रामर करेंगे सो हमारा ये चैप्टर 4 है एंड टुडे आवर टॉपिक इज मैस्कुलिन एंड फेमिनिन ठीक है तो आज ये जो मैस्कुलिन एंड फेमिनिन के बारे में देखेंगे तो यहाँ पर मैंने जो पिक्चर दिया है आपको इससे आप लोग पता चल ही गया होगा कि मैस्कुलिन का मतलब क्या है फेमिनिन का मतलब क्या है ठीक है सो नाउ मैस्कुलिन एंड फेमिनिन जो है उसका हम क्या बोलते हैं सबसे पहले हम मैस्कुलिन एंड फेमिनिन देखने से पहले हम ही वर्ड एंड सी वर्ड देखते हैं ठीक है ही वर्ड ही वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ड्स ऑफ द मैस्कुलिन जेंडर तो मैस्कुलिन जेंडर जो होता है उसको हम ही वर्ड्स बोलते हैं अब ही किसको यूज किए जाते हैं लड़का को यानी कि क्या है मैस्कुलिन यानी कि कोई भी इंसान का हो या फिर एनिमल्स बर्ड जो कोई भी है उसका जो मेल जो होता है जो लड़का जो होता है उसको डिनोट करता है हमारा मैस्कुलिन ठीक है एंड फेमिनिन आप फेमिनिन जो है यानी कि सी वर्ड देखेंगे सी वर्ड आर कॉल्ड वर्ड्स ऑफ द फेमिनिन जेंडर एज क्वीन डॉटर मदर हेन यानी सी वर्ड हम किसको किसके लिए यूज करते हैं लड़की के लिए है ना तो सी वर्ड यानी कि फेमिनिन यानी कि जो कोई भी लड़की को हमें डिनोट करना है उसको ही हम बोलते हैं फेमिनिन ठीक है सो नाउ यही हमारा मैस्कुलिन यानी कि मैस्कुलिन को हम इंग्लिश ग्रामर में मैस्कुलिन बोलते हैं जैसे क्या है ये दिस इज आवर ही वर्ड ठीक है फेमिनिन यानी कि जो लड़की जो होता है उसको जिसे हम सी वर्ड भी बोलते हैं ठीक है पर सिर्फ ह्यूमन बींग्स में लड़का लड़की नहीं होता है जितने भी एनिमल्स एंड बर्ड्स जो होते हैं सब में लड़का लड़की होता ही है ठीक है एंड जैसे कि आप देखिए मम्मी तो होता है मम्मी भी लड़की है दीदी भी लड़की है पर नाम अलग अलग है ना जिसकी मम्मी का पापा दीदी का भैया ये सब होता है ना भाई का बहन पर इंसान तो इंसान ही है पर नाम अलग अलग होता है ना जिसकी कोई अंकल को देख के हम आंटी नहीं बोल सकते है ना क्योंकि हम सबको पता है कि आंटी जो होता है वो लड़की के लिए यूज किए जाते हैं लड़का के लिए यूज नहीं किए जाते हैं है ना तो इसीलिए हम डिफरेंट डिफरेंट नाम जो है वो लड़की के लिए अलग यूज करते हैं एंड लड़का यानी कि मैस्कुलिन जो है वो हम अलग यूज करते हैं ठीक है सो नाउ अब हम देखेंगे यहाँ पर फ्यू नेम्स जो है मैस्कुलिन एंड फेमिनिन है ना वो देखेंगे क्या क्या है बॉय यहाँ पर जो दिया गया है यहाँ पूरा कॉलम जो है मैस्कुलिन यानी कि लड़का है एंड यहाँ पर जो दिया है वो पूरा क्या है लड़की है दैट इज फेमिनिन ठीक है सो बॉय का क्या होगा गर्ल यानी कि लड़का का लड़की नंबर टू मैन है ना मैन का क्या होगा वुमेन ठीक है ब्रदर यानी भाई का बहन यानी कि सिस्टर यानी कि मैस्कुलिन यानी कि यहाँ पूरा लड़का है यहाँ पर लड़की है फादर यानी कि पापा अब फादर क्या होगा मदर यानी कि पापा का मम्मी होगा ना सो फादर का मदर सन यानी कि बेटा क्या होगा बेटी है ना सन का होगा हमारा डॉटर नेक्स्ट वन हस्बैंड यानी कि पति जो होता है पति का क्या होता है उसका फीमेल पत्नी होता है यानी कि वाइफ हस्बैंड का क्या होगा वाइफ होगा ठीक है मैस्कुलिन है नेफ्यू अब नेफ्यू का फेमिनिन क्या होगा नीस क्या होगा नेफ्यू का नीस होगा प्रिंस यानी कि भांजा का भांजी ठीक है नेफ्यू यानी कि भांजा और नीस यानी कि भांजी प्रिंस यानी कि राजकुमार का क्या होगा राजकुमारी दैट इज प्रिंसेस ये हमारा मैस्कुलिन एंड फेमिनिन है ना सो अब नेक्स्ट वन देखेंगे हम और है हमारा मैस्कुलिन एंड फेमिनिन यहाँ पर है पूरा यहाँ पर भी वही मैस्कुलिन दिया है एंड यहाँ पर भी फेमिनिन दिया है ठीक है तो यहाँ पर क्या है किंग और किंग तो मैस्कुलिन की लड़का है और किंग का क्या होगा क्वीन यानी कि राजा का रानी तो किंग का होगा क्वीन हीरो हीरो का क्या होगा हीरोइन क्योंकि हीरो जो है वो लड़का है हीरोइन जो है वो लड़की है हीरो का होगा हीरोइन सर सर का क्या होगा मैडम ठीक है एक्टर एक्टर का क्या होगा एक्ट्रेस डॉग
डॉग का फीमेल क्या होगा? बीच। हॉर्स, हॉर्स का फेमिनिन क्या होगा? मेयर। यानी कि जब हम घोड़ा घोड़ा बोलते हैं ना, यानी कि हॉर्स वो तो लड़का है एक्चुअल में, मेयर जो है वो लड़की होता है। ठीक है, ऑक्स है ना, ऑक्स का बेल का क्या होता है? गाय। काउ, ऑक्स का क्या होता है? काउ। गॉड यानी कि भगवान है ना, जिसके लॉर्ड शिवा एंड लॉर्ड गणेश हम क्या बोलते हैं, वो सब क्या है? वो सब के सब गॉड है। पर गॉडेस यानी कि जो फीमेल जो होता है उसका हम गॉडेस बोलेंगे, देवी, जिसकी पार्वती माता और दुर्गा माँ काली माँ जो होता है वो सब कौन है? वो गॉडेस है, गॉड नहीं है, गॉडेस है। ठीक है, लायन, लायन क्या होगा? लायनेस, क्योंकि लायन जो है वो मेल है। ठीक है, लायनेस जो है वो फीमेल है। टाइगर, अब टाइगर क्या है? वो लड़का है। अब टाइगर क्या होगा? टाइग्रेस होगा, लड़की। ठीक है, सो नाउ ये रहा हमारा मैस्कुलिन एंड फेमिनिन। तो आप लोग क्लियर हो गए होंगे कि मैस्कुलिन जो है हमेशा लड़का डिनोट करता है एंड फेमिनिन जो है हमेशा लड़की डिनोट करता है, क्योंकि लड़का लड़की में जिस तरीके से फिजिकल फीचर्स अलग ही होता है, जिसकी शेर जो होता है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, जो लाइन जो है ये मेल है, क्योंकि बाहर देख के हमें पता चलता है कि ये मेल है, क्योंकि मेल के पास ऐसा जो फॉर जो है चारों तरफ ऐसा होता है, पर वेरास फीमेल में ऐसा नहीं होता है, अलग से होता है, हमें देख के ही पता चलता है कि कौन लड़का है कौन लड़की है, पर नाम भी उसी हिसाब से अलग अलग होता है। ठीक है, जैसे कि अब ह्यूमन बींग्स के बारे में हम बात करते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं, अब ये हमारा राजकुमार और ये हमारा राजकुमारी। अब देखने से ही पता चल रहा है ना कौन राजकुमार है कौन राजकुमारी है। क्यों? क्योंकि राजकुमार जो उसका शॉर्ट हेयर है, थोड़ा हाइट थोड़ा टॉल है ना, उसका जो कपड़ा जो है जो पहनते हैं वो थोड़ा अलग है, और राजकुमारी जो है वो अलग ही है। फिजिकल फीचर से हमें पता चल रहा है कि कौन लड़का है कौन लड़की है, पर नाम भी उसके हिसाब से अलग अलग होता है। और उसके बाद जब हम मैन एंड वुमेन के बारे में बात करते हैं, अब मैन ये है हमारा है ना, अब देखते में हमें पता चल रहा है कि ये मैन है, कि उसका जो फिजिकल स्ट्रक्चर जो है, उसका जो हेयर जो है, उसे हमें पता चल रहा है कि ये मैन है। ये हमारा फीमेल, अब देख के पता चल रहा है कि हमारा फीमेल है ना। तो इस तरीके से जो मेल एंड फीमेल जो है, जिस तरीके से हमें एनिमल्स से लेके ह्यूमन बींग्स में भी जो अलग अलग देखने को मिलता है, नाम भी उसी तरीके से होता है। ठीक है, सो नाउ नेक्स्ट वन, अब हम लोग को यहाँ पर लिखना है, गिव द फेमिनिन फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। फेमिनिन यानी कि यहाँ पर जो लड़की यानी फीमेल जो होता है उनके बारे में आप लोग को यहाँ पर लिखना है नाम। फेमिनिन यानी कि द सी वॉर्ड, फेमिनिन क्या बोले जाते हैं? सी वॉर्ड, सी वॉर्ड आप लोग को यहाँ पर यूज करना है। ठीक है, सो गॉड, अब गॉड क्या है? मैस्कुलिन है गॉड, अब गॉड का फेमिनिन वॉर्ड क्या होगा? गॉडेस, जी ओ D-D-E-S-S, goddess, ठीक है? Man, man क्या है? Masculine है। अब इसका feminine क्या होगा man का? Woman, W-O-M-A-N, woman, ठीक है? Cock, अब cock क्या है? ये masculine है। अब इसका feminine क्या होगा? Hen, यानी कि मुर्गा का मुर्गी, होता है ना? Horse, horse क्या है? Masculine है ये। अब horse का female क्या होता है? Mare, M-A-R-E, मेरे घोड़ा का घोड़ी, है ना? नंबर फाइव, फादर, अब फादर का क्या होगा हमारा? मदर, मम्मी का पापा है ना, फादर का मदर। प्रिंस, अब प्रिंस का क्या होगा हमारा? प्रिंसेस, प्रिंस का होगा हमारा प्रिंसेस। नंबर सेवन, ब्रदर यानी कि भाई, भाई का क्या होगा? बहन, ब्रदर यानी कि सिस्टर। नंबर एट, हस्बैंड, अब हस्बैंड क्या होगा? वाइफ, डब्ल्यू आई एफ ई वाइफ। नंबर नाइन, जेंटलमैन, जेंटलमैन का क्या होगा? लेडी, एल ए डी वाई, लेडी। तो ये हुआ हमारा जो मैस्कुलिन जो उसको हमने फेमिनिन में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, और एक बार जब भी हम मैस्कुलिन एंड फेमिनिन जो यूज करते हैं ना, कभी कभी हम हमेशा सिर्फ लायन के बारे में लिख रहे हैं, तो ऊपर से नीचे तक लायन 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 है ना, तो अगर हम टाइग्रेस के बारे में लिख रहे हैं तो ऊपर से लेकर नीचे तक टाइग्रेस टाइग्रेस टाइग्रेस, तो अजीब है, वो सही वे भी नहीं, राइट वे भी नहीं है लिखने का, है ना। तो जब भी हम मैस्कुलिन को डिनोट करते हैं तो हमेशा हम क्या यूज करते हैं? ही,
मैस्कुलिन जो होता है वो हम ही और हीज यूज करते हैं, यानी कि अगर हम ही और हीज यूज करते हैं तो पता चल जाता है कि यहाँ पर क्या है, पूरा मैस्कुलिन की लड़का है यहाँ पर, ठीक है। वेयरएज जब हम फेमिनिन में जब हम देखते हैं फेमिनिन में क्या कौन सा यूज किए जाते हैं, सी और हर, ठीक है, यानी इसे पता चलता है कि यहाँ पर जो है वो पूरा लड़की है। इस तरीके से जिस तरीके से नाम जो अलग अलग है उसी तरीके से हम यहाँ पर ही और ही लड़का के लिए यूज करते हैं एंड सी और हर जो है वो लड़की के लिए ही यूज करते हैं। सो नाउ अब हम देखेंगे मैस्कुलिन को फेमिनिन में तो हमने कन्वर्ट कर दिया, अब फेमिनिन को यहाँ पर मैस्कुलिन में कन्वर्ट करना है, ठीक उसका उल्टा है, ठीक है। सो नाउ लेट्स डू, गिव द मैस्कुलिन यानी क्या है मैस्कुलिन, ही वर्ड है मैस्कुलिन, गिव द मैस्कुलिन फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। नंबर वन गर्ल, अब गर्ल का क्या होगा, लड़की का लड़का, गर्ल यानी कि बॉय, ठीक है। काउ यानी गाय है ना, और काउ का क्या होगा यहाँ पर ऑक्स, क्या होगा ऑक्स। थ्री बीच, अब बीच का क्या होगा डॉग, डी ओ जी डॉग, ठीक है। नीस, नीस का क्या होगा मैस्कुलिन, नेफ्यू, भांजी का भांजा नेफ्यू। विक्सन, विक्सन किसका फीमेल है, विक्सन फीमेल फॉक्स का है, फॉक्स का जो फीमेल होता है उसको ही हम विक्सन बोलते हैं, याद रखना आप सबके साथ। जैसे टाइगर का टाइग्रेस हो गया, लायन का लायनेस हो गया, तो फॉक्स का फॉक्सेस होगा, ऐसा नहीं है, फॉक्स का विक्सन होगा, थोड़ा अलग है ये, ठीक है। नंबर सिक्स मामा, मामा क्या होगा पापा, यानी कि मम्मी का हम कभी कभी मामा भी बोलते हैं ना, तो मामा क्या होगा पापा। नंबर सेवन क्वीन यानी कि महारानी, क्वीन का क्या होगा किंग। एक्ट्रेस यानी कि लड़की है एक्ट्रेस, तो एक्ट्रेस का क्या होगा एक्टर। डॉटर यानी कि बेटी, डॉटर क्या होगा सन। तो ये रहा हमारा सी वर्ड को मैस्कुलिन में कन्वर्ट कर दिया। एक बार फिर से देखते हैं, गर्ल का क्या होगा बॉय, काउ का ऑक्स, बीच का होगा डॉग, नीस नेफ्यू, विक्सन फॉक्स, मामा पापा, क्वीन किंग, एक्ट्रेस एक्टर, डॉटर सन, ओके। अब ये जो मैस्कुलिन में जो फेमिनिन जो है नाम क्या है, किस से लिखा जाते हैं, इसमें क्या करना है, आप सब लोग को याद करना है नाम, ठीक है। अब नीस, जैसे कि अब नीस को जो मैस्कुलिन में नेफ्यू बोले जाते हैं, है ना। अब क्या होता है कि हम हिंदी में तो बोल देते हैं बेटा का बेटी, लड़का का लड़की, भांजा का भांजी, ये सब तो हम बोल देते हैं, पर इंग्लिश में क्या हो, जब भी हम इंग्लिश में लिखते हैं तभी तो सही लिखना चाहिए, तो इसलिए या पर जो मामा का पापा, विक्सन का फॉक्स, नीस का नेफ्यू जो है वो भी आप लोग को नाम याद करना है, तभी आप लोग जो ही वर्ड एंड सी वर्ड जब कन्वर्ट करेंगे आप सही तरीके से आप लोग लिख पाएंगे, ठीक है, वरना बहुत गलती होगा। अब इसके लिए भी आपको क्या करना है, पढ़ के प्रैक्टिस करके आपको बार बार लिखना है, तभी आप लोग परफेक्ट हो जाएंगे और गलती भी नहीं होगा, ठीक है। सो नाउ नेक्स्ट वन, अब हम दूसरा देख लेते हैं, सो गिव द अपोजिट जेंडर ऑफ द फॉलोइंग। अपोजिट जेंडर यानी क्या है, अपोजिट यहाँ पर सिर्फ अलग दिया, अपोजिट जेंडर यानी कि उसका अपोजिट, जैसे कि वही है लड़का का लड़की, है ना, अपोजिट यहाँ पर सिर्फ नाम अलग दिया है, पर यहाँ पर जो दिया गया है उसको अपोजिट में आपको लिखना है, ठीक है। यानी कि इसका जो मैस्कुलिन दिया है तो उसको फेमिनिन में लिखना है, आप फेमिनिन दिया है तो उसको मैस्कुलिन में ही आप लोग यहाँ पर लिखना है, ठीक है। नंबर वन ऑक्स, अब ऑक्स क्या है मैस्कुलिन यानी कि ही वर्ड है, तो ऑक्स का जो फेमिनिन वर्ड क्या होता है, यानी कि सी वर्ड क्या होता है ऑक्स का काव, ठीक है, यानी मैस्कुलिन को हमने फेमिनिन में कन्वर्ट कर दिया। सो नंबर टू डॉग, डॉग क्या है मैस्कुलिन, अब डॉग का फेमिनिन क्या होता है, यानी कि सी वर्ड क्या होता है डॉग का बीच, बी आई टी सी एच बीच। नंबर थ्री सिस्टर, अब सिस्टर क्या है, सिस्टर क्या है फेमिनिन यानी कि सी वर्ड, अब यहाँ पर
ही वर्ड में कन्वर्ट करना है, यानी ही इसका अपोजिट लिखना है ही वर्ड, यानी कि मैस्कुलिन में. सिस्टर का क्या होगा? ब्रदर, बी आर ओ टी एच ई आर, ब्रदर. ठीक है. नंबर फोर, हीरो, यानी कि हीरो क्या है? एक मैस्कुलिन है. अब इसका फेमिनिन क्या होगा? हीरो का हीरोइन. ठीक है. अब वाइफ, वाइफ क्या है? फेमिनिन, यानी कि सी वर्ड है. अब वाइफ का ही वर्ड क्या होगा? वाइफ का हस्बैंड, एच यू एस बी ए एन डी, हस्बैंड. ठीक है. नंबर सिक्स, अंकल. अब अंकल जो है वो मैस्कुलिन है. अब इसका फेमिनिन क्या होगा? अंकल का आंट. ठीक है. अब नंबर सेवन है हमारा क्वीन, यानी कि महारानी, यानी क्या है वो? फेमिनिन है. अब इसका मैस्कुलिन क्या होगा? क्वीन का किंग. ठीक है. नंबर एट में है टाइग्रेस. टाइग्रेस क्या है हमारा? मैस्कुलिन है, सॉरी क्या है? फेमिनिन है. अब इसका मैस्कुलिन में क्या होगा टाइग्रेस का? टाइगर. आप लोग यहाँ पर देख भी सकते हैं, देखने में थोड़ा अंतर है. ये टाइग्रेस है और ये टाइगर है. जिस तरह से ह्यूमन बींग्स अलग अलग होते हैं, एनिमल्स में भी देखने से पता चल रहा है कौन लड़का है कौन लड़की है. अब यहाँ पर देख सकते हैं ये लड़की है एंड ये जो है वो लड़का है. ठीक है. यानी टाइग्रेस एंड टाइगर. नंबर नाइन, मैडम. मैडम यानी कि फेमिनिन, सी वर्ड है. पर जब हम इसको मैस्कुलिन में कन्वर्ट करते हैं, इसका अपोजिट जो है वो क्या है मैडम का? सर. क्या होगा? सर होगा. ठीक है. तो ये रहा हमारा अपोजिट जेंडर. तो एक बार फिर से देखते हैं. ऑक्स यानी कि काउ, डॉग यानी कि बिच, सिस्टर यानी कि ब्रदर, हीरो यानी कि हीरोइन, वाइफ हस्बैंड, अंकल आंट, क्वीन किंग, टाइग्रेस टाइगर, मैडम सर. तो ये होगा हमारा अपोजिट, है ना. अपोजिट हमने किसके बारे में किया? यहाँ पर मैस्कुलिन को फेमिनिन या फिर फेमिनिन को मैस्कुलिन में कन्वर्ट करते हुए यहाँ पर अपोजिट जो है वो हमने लिखा है. सो नाउ अब नेक्स्ट देखेंगे हम. अब यहाँ पर अभी तक हम सिर्फ वर्ड ही रहते हैं. ठीक है. मैस्कुलिन को फेमिनिन सिर्फ एक एक वर्ड ही लिख रहे थे. अब यहाँ पर आप लोग को सेंटेंस में लिखना है. वर्ड में नहीं लिखना है, क्या लिखना है? सेंटेंस में लिखना है. अब सेंटेंस में क्या लिखना है वो देखेंगे. ठीक है. रीराइट चेंजिंग द जेंडर ऑफ द अंडरलाइन वर्ड. यानी कि यहाँ पर जो सेंटेंस में जो कोई भी वर्ड को अंडरलाइन किया गया है ना, उसको उसका जेंडर चेंज करना है. यानी कि अगर लड़का दिया है तो उसको लड़की में कन्वर्ट करना है, और फिर लड़की दिया है तो उसको लड़का में कन्वर्ट करना है. ठीक है. और वो भी सिर्फ यहाँ पर जो अंडरलाइन दिया है ना, उसको ही चेंज करना है. और सेंटेंस में आपको लिखना है, ओनली वन वर्ड नहीं लिखना है चेंज करने के बाद, उसको सेंटेंस में लिखना है. नंबर वन, मे आई कम इन सर. तो मे आई कम इन सर, यानी कि सर अंडरलाइन दिया है, तो ये मैस्कुलिन है ना. अब फेमिनिन में क्या होगा सर का? मैडम होगा. तो यहाँ पर क्या होगा? मे आई कम इन मैडम होगा. ठीक है. यानी कि मैस्कुलिन जो है उसको फेमिनिन में कन्वर्ट करते वक्त सर का क्या होगा? मैडम होगा. नंबर टू, हर अंकल इज अ टीचर. तो अंकल क्या है? मैस्कुलिन है. अब अंकल का फेमिनिन क्या होगा? आंट. तो यहां पर क्या होगा? हर आंट इज अ टीचर. ठीक है. नंबर थ्री, द प्रिंस हैज अ हॉर्स. यहाँ पर दो दो है, तो आपको दो दो को ही उसको आपको कन्वर्ट करना है. तो दोनों ही क्या है यहाँ पर? मैस्कुलिन है, तो दोनों को ही फेमिनिन में कन्वर्ट करना है. सो द प्रिंस, प्रिंस का क्या होगा फेमिनिन? प्रिंसेस. हॉर्स का फेमिनिन क्या होगा? मेयर. यहाँ पर क्या लिखना है? द प्रिंसेस हैज अ मेयर. ठीक है. नंबर फोर, द बॉय इज माई, दैट बॉय इज माई नेफ्यू. यहाँ पर भी दो दो दिया है, यानी कि दो दो जो मैस्कुलिन जो है उसको आपको फेमिनिन में कन्वर्ट करना है. ठीक है. सो दैट बॉय, अब बॉय का क्या होगा फेमिनिन? गर्ल. अब नेफ्यू का क्या होगा? नीस. तो यहाँ पर क्या लिखना है? दैट गर्ल इज माई
नीस, ठीक है। नंबर फाइव, आई हैव अ काउ एंड हेन। अब यहाँ पर भी दो दो है ना, अब उसको भी आप लोग को फेमिनिन में कन्वर्ट करना है, ठीक है, मैस्कुलिन में, दोनों फेमिनिन, काउ एंड हेन दोनों ही फेमिनिन है, अब इसको मैस्कुलिन में कन्वर्ट करना है। सो यहाँ पर लिखेंगे आई हैव अ, आई हैव अ ऑक्स एंड अ काउ, क्योंकि काउ का जो मैस्कुलिन जो है वो ऑक्स है एंड हेन का जो मैस्कुलिन जो है वो है काउ, ठीक है। सो नेक्स्ट वन, द किंग वॉज वेरी एंग्री, यानी यहाँ पर सिर्फ ओनली वन है, किंग है मैस्कुलिन, अब इसको फेमिनिन में कन्वर्ट करना है। अब किंग का फेमिनिन क्या होगा, क्वीन, तो यहाँ पर क्या लिखना है, द क्वीन वॉज वेरी एंग्री, ठीक है। सुनाओ, दैट मैन इज अ गुड एक्टर, अब यहाँ पे दो दो है, मैन यानी मैस्कुलिन, यहाँ दोनों मैस्कुलिन, तो इसको फेमिनिन में कन्वर्ट करना है, तो क्या लिखना है, दैट वुमन इज अ गुड एक्टर का होगा एक्ट्रेस, ठीक है। नंबर एट, द ब्राइड ग्रूम इज माई अंकल, द ब्राइड ग्रूम का क्या होगा, द ग्रूम इज माई आंट, ठीक है। नंबर नाइन, हु वॉज द हीरो इन द फिल्म, हीरो क्या होगा, हीरोइन, तो यहां पर लिखना है, हु वॉज द हीरोइन इन दैट फिल्म, तो ये होगा इस सेंटेंस में, है ना। एक बार फिर से देख लेते हैं, मे आई कम इन सर, यानी सर का क्या होगा मैडम, सो मे आई कम इन मैडम। नंबर टू, हर अंकल इज अ टीचर, अब अंकल का क्या होगा, आंट, यहाँ पर होगा हर आंट इज अ टीचर। नंबर थ्री, द प्रिंस हैज अ हॉर्स, अब प्रिंस का होगा प्रिंसेस, हॉर्स का होगा मेयर, तो यहाँ पर होगा द प्रिंसेस हैज अ मेयर। नंबर फोर, दैट बॉय इज माई नेफ्यू, तो बॉय का क्या होगा, गर्ल, एंड नेफ्यू का होगा नीस, तो यहाँ पर होगा दैट गर्ल इज माई नीस। नंबर फाइव, आई हैव अ काउ एंड अ हेन, अब काउ क्या होगा, काउ का ऑक्स एंड हेन का होगा कॉक, तो यहाँ पर होगा आई हैव अ ऑक्स एंड अ कॉक, एंड होगा यहाँ पर, ठीक, क्योंकि ओ है ना इसलिए। सो नंबर सिक्स, द किंग वॉज वेरी एंग्री, किंग का होगा क्वीन, तो यहाँ पर लिखेंगे द क्वीन वॉज वेरी एंग्री। नंबर सेवन, द मैन इज अ गुड एक्टर, द मैन का क्या होगा, वुमन, एक्टर का होगा एक्ट्रेस, तो यहाँ पर लिखना है दैट वुमन इज अ गुड एक्ट्रेस। नंबर एट, द ब्राइड ग्रूम इज माई अंकल, तो ब्राइड ग्रूम का फेमिनिन क्या होगा, ग्रूम, है ना, सो लिखना है अंकल का होगा आंट, सो द ग्रूम इज माई आंट। नंबर नाइन, हु वॉज द हीरो इन दैट फिल्म, हीरो का होगा हीरोइन, सो हु वॉज द हीरोइन इन दैट फिल्म, तो ये हो गया हमारा मैस्कुलिन एंड फेमिनिन। तो इससे ये हमारा टॉपिक जो है दैट इज मैस्कुलिन एंड फेमिनिन वो कंप्लीट होता है। तो आपको पता चल ही गया होगा कि मैस्कुलिन जो है वो ही वर्ड है जिसे लड़का डिनोट करता है, लड़का को बताता है, एंड फेमिनिन जो है वो सी वर्ड जो है जो लड़की बताती है, ठीक है। और नाम भी अलग अलग होता है एंड दिखने में भी मैस्कुलिन एंड फेमिनिन जो है वो अलग अलग ही होता है। ओके, सो दिस मच फॉर टुडे एंड थैंक यू स्टूडेंट्स।